हेलो दोस्त, रेलवे लाइफ यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। हेलो दोस्त, 2000 प्रश्न फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स, क्या किसी एग्ज़ाम के लिए कम है? तो कुछ लोग कहेंगे अच्छा है, तो चलिए उसमें जुड़ते हुए आज 52 प्रश्न और जो आपका इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स है और ख़ास करके DMRC, JEE और मेंटेनर एग्ज़ाम, इसमें भी JEE मेंटेनर के दृष्टि से देखेंगे तो दोनों का प्रश्न आता है, लेकिन मेंटेनर इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक का प्रश्न इससे बहुत ज़्यादा आता है। इस टॉपिक को हमने देख के एनालिसिस करके आपके लिए बनाया है, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मटेरियल क्वेश्चन, यानी जो आपका सेमीकंडक्टर पार्ट का मेन पार्ट है वहाँ से लेके आया है। और साथ में इसको पढ़ेंगे कि 2000 प्रश्न कहाँ मिलेगा, तो प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से जो देखना है आप देख सकते हैं। इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों की प्लेलिस्ट अलग अलग, DMRC के प्लेलिस्ट अलग से। तो चलिए इस वीडियो को शुरुआत करते हैं आपके लिए। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का जो टॉपिक है उसका हम इम्पोर्टेंट 52 क्वेश्चन, हालांकि नाम हमने 50 दिया है, 52 क्वेश्चन यहाँ पे है, इसकी शुरुआत करते हैं। और ये बिल्कुल बेसिक है, इलेक्ट्रॉनिक्स का बेसिक्स है, जहाँ से लोग गलतियाँ करते हैं और इस क्वेश्चन को इलेक्ट्रॉनिक्स में बार बार रिपीट किया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, कुछ लोग ऐसे ऐसे सिंपल क्वेश्चन को डिलीट करते हैं और छोड़ आते हैं एग्जामिनेशन में। तो इन सारे पेपरों का आपका डिस्क्रिप्शन आप जानते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिलेगा और वो लिंक किसका होगा, प्लेलिस्ट का। तो इलेक्ट्रॉनिक्स के अभी तक मैंने कल जोड़ रहा था तो करीब करीब यहाँ पे टोटल अगर प्रश्नों की संख्या कह रहे हैं तो प्रश्न 2000 के करीब इलेक्ट्रॉनिक्स पहुँच रहा है, यानी ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न होते जा रहा है आपके लिए, एक प्लेलिस्ट सज रहा है। हो सकता है ये फ्यूचर में कुछ लोग इसके फायदे उठाते हो, लेकिन बोलने से थोड़े से उन्हें अच्छा नहीं लगता, तो चलिए बोलिएगा नहीं, लेकिन हमारा काम है अच्छी चीज़ें को बताना। तो चलिए चलते हैं प्रश्न नंबर 1 से शुरू करते हैं बिना देरी के। तो पहला नंबर ही प्रश्न देखिए, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर आज दोच, बहुत लोग प्योर सेमीकंडक्टर यानी पूर्ण रूप से शुद्ध या डोपेड सेमीकंडक्टर में बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होता है। कई बार मैं प्रश्न डालता हूँ, लोग कहते हैं कि आपने गलती बता दिया, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को कहते हैं डोपेड कंडक्टर। तो ध्यान दीजिएगा, ऐसा सेमीकंडक्टर मटेरियल जो प्योर रूप से शुद्ध है उसको सेमीकंडक्टर कहते हैं। कौन सा टाइप का? इंट्रिंसिक, जिसमें बैलेंस इलेक्ट्रॉन एग्जैक्ट 4 होता है। अगर बैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 हो गया और बैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 हो गया, ऐसे सेमीकंडक्टर को हम क्या बोलते हैं? डोपेड टाइप के एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो यहाँ पे कौन सा आंसर आएगा आपको दिख गया होगा, प्योर फॉर्म में कौन सा है? विच ऑफ द मेड ए सेमीकंडक्टर मटेरियल इज प्योरेस्ट फॉर्म, सबसे शुद्ध रूप में है, उस टाइप के सेमीकंडक्टर को कहते हैं। बाकी पे आपको ध्यान ही नहीं देना है क्या है ऑप्शन। चलिए दो नंबर प्रश्न आपके पास पूछ रहा है, विच इज फॉलोइंग एज ए एक्टिव डिवाइस, एक्टिव डिवाइस और पैसिव डिवाइस, बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, कुछ लोग गलतियां करते हैं। तो एक्टिव डिवाइस हमारा इलेक्ट्रॉनिक शुरुआत ही होता है एक्टिव डिवाइस से, तो ऑप्शन हमारे पास कौन सा है? ACR है। जो बच गए इसका क्या नाम लेंगे आप? इन सारे को नाम ले लीजिएगा, पैसिव डिवाइस है, इलेक्ट्रिकल बल्ब, ट्रांसफार्मर, लाउड स्पीकर, इसी तरह का। अगर ACR का ज़्यादा, थायरिस्टर भी पूछ दिया जाए आपको, हो सकता है डायोड पूछ दिया जाए, और भी कोई इलेक्ट्रॉनिक्स का डिवाइस पूछ दिया जाए, तो ये सारे कौन सा टाइप के मटेरियल हैं? एक्टिव टाइप डिवाइस है, मटेरियल नहीं डिवाइस। उसके बाद तीन नंबर प्रश्न पे आएंगे, तीन नंबर प्रश्न हमारे पास यहाँ है, एक्टिव का उल्टा पैसिव भी होता है और पैसिव पूछा जा रहा है कौन सा है इसमें। तो देखिए यहाँ एक्टिव वाला कौन सा है? वैक्यूम ट्यूब डिवाइस, कैपेसिटर, सेमीकंडक्टर और ट्रांजिस्टर, ये कौन सा टाइप के हैं? तो इनमें से हम अगर एक्टिव ढूंढ लें तो हमारे पास तीन एक्टिव मिल जाएंगे, वैक्यूम ट्यूब डिवाइस, सेमीकंडक्टर डिवाइस और ट्रांजिस्टर, एक सारे क्या है? एक्टिव है। और जो बच गए वो कौन सा है? कैपेसिटर। तो कैपेसिटर, इंडक्टर और ऊपर भी क्वेश्चन में हमने देखा ट्रांसफार्मर वगैरह, ये सारे प्रश्न को देख लीजिएगा, ये सारा आपका पैसिव डिवाइस है, यानी इलेक्ट्रिकल बल्ब, ट्रांसफार्मर, लाउड स्पीकर, कैपेसिटर, इंडक्टर, रेजिस्टेंस, ये सब कौन सा डिवाइस है? पैसिव डिवाइस है। तो एक साथ अगर पढ़ते जाएंगे तो इलेक्ट्रॉनिक्स का बेसिक टॉपिक आपको आराम से कवर होते जाएगा। तो अगला प्रश्न हमारे पास है चार नंबर प्रश्न, जिसमें पूछ रहा है आउटर मोस्ट सेल ऑफ एटम विथ हाईएस्ट एनर्जी लेवल इज नावन, कौन सा जिसमें सबसे ज़्यादा
एनर्जी लेवल होता है, इसी प्रश्न को दूसरे टाइप से भी पूछता है, आगे एक और प्रश्न लेंगे। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि सबसे बाहरी वाला कक्षा जिसमें सबसे ज़्यादा एनर्जी रहता है और ये किस टाइप का कक्षा बोलता है इलेक्ट्रॉनिक्स के बाद में, तो हम इसको किस में डालते हैं बैलेंस, और जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स की कितनी बैलेंसी होती है, 4। कार्बन का भी याद रखिएगा, सिलिकन, ये कार्बन यहाँ से यार होगा, सिलिकन और जर्मेनियम, 3 की मेन रूप से बात करते हैं, बाकी की छोड़ दीजिएगा, बाकी और भी सेमीकंडक्टर होते हैं थोड़े से डिफरेंट टाइप के। अगला है बोहर मॉडल। बोहर मॉडल स्टेट डैट एलिमेंट ऑर्बिट अराउंड ए न्यूक्लियस, कौन सा मॉडल सेट करता है, किसके बारे में सेट करता है, तो आपने बोहर मॉडल में देखे होंगे किस किस संरचना को सेट करता है, तो ऑप्शन यहाँ देख लीजिए क्या है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और फोटोन, सब लोग जानते हैं, इसके लिए बहुत कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं करना है, इलेक्ट्रॉन्स की ही मॉडल को सेट करना, फर्स्ट कक्षा में कितनी होगी, सेकंड कक्षा में कितनी होगी, थर्ड में कितनी होगी, ये बोहर मॉडल के द्वारा हम इसको करते हैं। और ये प्रश्न में पूछ देता है तो लोग कहते हैं मैंने पढ़ा नहीं, हालांकि ये 10th का फिजिक्स है और सेमीकंडक्टर में इसको यूज कर लिया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए पूछ दिया जाता है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं, 6 नंबर हमारे पास प्रश्न है जिसमें पूछ रहा है इंस्ट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एट रूम टेम्परेचर विल हैव खाली स्थान अवेलेबल इन कंडक्शन बैंड। एक शुद्ध रूप से सेमीकंडक्टर है उसमें रूम टेम्परेचर, और रूम टेम्परेचर आपको याद होना चाहिए, बहुत लोगों को नहीं पता होता है, ध्यान दीजिएगा जब भी रूम टेम्परेचर की बात, मार्कर थोड़ा चल नहीं रहा है, जब भी रूम टेम्परेचर की बात करेगा ना तो इस टेम्परेचर को याद रखने हैं, 27 डिग्री सेंटीग्रेड का, इस पे क्या होता है, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होंगे और साथ में होल भी होगा, दोनों होंगे किस में, कंडक्शन बैंड में, अवेलेबल इन कंडक्शन बैंड, कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन भी होता है और वो होल भी होता है इंस्ट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का। अगले प्रश्न 7 नंबर की बात करेंगे, 7 नंबर देखिए, ए प्योर सेमीकंडक्टर बिहेव लाइक ए इंसुलेटर एंड 0 डिग्री केल्विन पीक आउट। अब 0 डिग्री केल्विन पूछ दिया जाए तो कहाँ आ जाएंगे, अगर टैंक टेम्परेचर की बात होगा तो कुछ लोग कहते हैं कि -273 डिग्री सेंटीग्रेड, और रूम टेम्परेचर कभी बोल दिया तभी इसी को मान लेते हैं लोग, तो कंफ्यूजन नॉट, कंफ्यूजन कभी नहीं करना है, जब भी रूम टेम्परेचर बोले तो 27 डिग्री का टेम्परेचर रूम टेम्परेचर बोला जाता है, और 27 से 273 में बहुत डिफरेंस होता है, ध्यान दीजिएगा ये माइनस में है, इससे बहुत कम नीचे ये आएगा, तो इसको बहुत ध्यान से प्रश्न को करना है, और कभी भी ऐसा प्रश्न आ जाए तो ऐसे प्रश्न को थोड़ा सा ध्यान से सोचिएगा। तो अभी हमने बोला था कि रूम टेम्परेचर पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एंड होल दोनों कंडक्शन बैंड में होता है, लेकिन अब तो कह रहा है 0 डिग्री पे, क्योंकि प्योर सेमीकंडक्टर की बात कर रहा है, और 6 नंबर प्रश्न आपने देखा, 6 नंबर प्रश्न भी प्योर सेमीकंडक्टर की ही बात है, ध्यान से देखिएगा, 6 नंबर प्रश्न भी हमारा प्योर सेमीकंडक्टर ही है, एक बार इसको एडजस्ट कर ले, 6 नंबर भी प्रश्न प्योर सेमीकंडक्टर का ही है, लेकिन यहाँ पे प्योर लिखा है, यहाँ पे इंस्ट्रिंसिक लिखा है, इसलिए लोगों का मिस्टेक होता है, इस प्रश्न को इस प्रश्न से जोड़ देते हैं, तो 0 डिग्री केल्विन कितना है, 273 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस में सेल्सियस कह सकते हैं, और यहाँ पे कह सकते हैं 27 डिग्री सेंटीग्रेड, तो इसमें कंडक्शन में होल भी है और इलेक्ट्रॉन भी है, लेकिन इस टेम्परेचर पर क्या होगा, कुछ नहीं मिलेगा आपको, तो इसके प्रश्न का आंसर सी में देखिए क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन नॉट अवेलेबल इन करेंट कंडक्शन, याद रखिएगा, ऐसे प्रश्न कभी भी आए, हो सकता है ऑप्शन कुछ चेंज कर दिया जाए, तो इसको भी आप ध्यान रखना, कोई फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं रहेगा। 8 नंबर प्रश्न चलते हैं, 8 नंबर प्रश्न आपके पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सेमीकंडक्टर, इनमें से कौन सा सेमीकंडक्टर है, तो लोग कह देते हैं ऐसा प्रश्न तो हमने पढ़ा नहीं, और ख़ास करके मैं ITI कैंडिडेट की बात कर रहा हूँ, डिप्लोमा डिग्री की नहीं बात कर सकते हैं, ITI कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो बेसिक एग्जाम पे चलते हैं, और उनको सेमीकंडक्टर की बात बताया जाता है तो उनको 3 ही चीज़ बताया जाता है, कार्बन, सिलिकन और जर्मेनियम। अब यहाँ पे तो कोई है नहीं, बोलते हैं ये प्रश्न ही गलत है,
ध्यान दीजिएगा, ऐसी गलती नहीं कीजिएगा। सेमीकंडक्टर बहुत बड़ा टॉपिक है और आप इलेक्ट्रॉनिक्स में आते हैं तो पता ध्यान रहना चाहिए। सेमीकंडक्टर ये तीन ऐसे हैं जिसमें चार वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन इसके अलावा भी तीन और पाँच वाले होते हैं। तो तीन और पाँच वाले के दोनों को मिला देंगे तो एक बनता है गैलियम आर्सेनाइड। और ध्यान दीजिएगा, तीन और जोड़ पाँच दोनों को मिलाएंगे, 8/2 = 4 सेमीकंडक्टर गैलियम आर्सेनाइड को बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारा कौन सा राइट आंसर होगा, गैलियम आर्सेनाइड। आर्सेनिक भी नहीं होगा, फॉस्फेनिक नहीं होगा, डायमंड भी नहीं होगा, कौन सा होगा, गैलियम आर्सेनाइड हमारा सेमीकंडक्टर मटेरियल है। और कई बार पूछ दिया जाता है इसको किस में यूज करते हैं, तो एलईडी या फोटो सेंसिटिव मटेरियल जितने होते हैं उसमें गैलियम आर्सेनाइड का अच्छी खासी मात्रा में यूज होती है। चलिए इसका यूज बाद में पढ़ेंगे। 9 नंबर हमारे पास है, DMRC के एग्जाम में ऐसे प्रश्न बहुत आते हैं और उसी प्रश्न को 9 नंबर आपके पास लाया हूँ। कह रहा है दी एनर्जी गैप ऑफ सच मोर सिलिकन देन जर्मेनियम बिकाउज, सिलिकन में जर्मेनियम के मुकाबले एनर्जी गैप ज़्यादा होता है क्यों। ध्यान दीजिएगा, इट बैलेंस इलेक्ट्रॉन इज मोर टाइटली बॉन्ड टू देयर पेरेंट न्यूक्लियस। सिंपल सी बात है, जो कोवेलेंट बॉन्ड दोनों में होती है उस बॉन्ड में दोनों इलेक्ट्रॉन्स सिलिकन में टाइटली बंद होते हैं और जर्मेनियम में इजी से बंद होते हैं। और इसी कारण एक और प्रश्न पूछ दिया जाता है कि सिलिकन में लीकेज करंट ICO या IBCO जो भी होता है, ये करंट लीकेज करंट कम क्यों होता है। तो ध्यान दीजिएगा क्यों होता है, ये टाइटली बाउंड होता है और जर्मेनियम में क्या होता है, ईजी टाइप के होते हैं जो इलेक्ट्रॉन फ्री मूव ज़्यादा करते हैं। अब इसी प्रश्न को ITI लेवल पर हम दूसरे स्तर पर ले जाएंगे तो पूछ देता है सिलिकन और जर्मेनियम में मोबिलिटी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी, इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे हम यहाँ पे, अभी होल की बात नहीं करते हैं। तो सिलिकन और जर्मेनियम में इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी क्या होती है, तो सिलिकन में क्या होती है, कम होती है, जर्मेनियम में ज़्यादा होती है। इसकी वैल्यू इलेक्ट्रॉनिक्स डिप्लोमा और डिग्री वाले को पूछ दिया जाता है, लेकिन हम ITI लेवल पे कम और ज़्यादा के टर्म में ही याद रखेंगे तब भी हमारा काम चल जाएगा। तो सिलिकन में अभी यहाँ एक प्रश्न बन जाता है, उसको मैं लिख दूँ थोड़ा आपके लिए, शायद लाइफ में काम आ जाए, इलेक्ट्रॉन होल। यहाँ पे सिलिकन दोनों में, दोनों की मोबिलिटी क्या होगी, कम होगी, इलेक्ट्रॉन की भी होल के भी, यानी धीरे धीरे ट्रैवल करेगा, समझ जाइएगा। और अगर जर्मेनियम है तो ये फास्टर करेगा, यानी ज़्यादा तेज़ी से करेगा। लेकिन सेम इसका रिवर्स लीकेज करंट पूछ दिया जाए तो सिलिकन में क्या होगा, कम होगा और इसमें फिर ज़्यादा हो जाएगा। यानी जिसमें ज़्यादा मोबिलिटी है उसमें ज़्यादा लीकेज करंट है, जिसमें कम मोबिलिटी है उसमें कम आपका लीकेज करंट है। कंसेप्ट थोड़ा याद रखेंगे तो आपके लाइफ में काम आते रहेगा। चलिए 10वें नंबर प्रश्न में पूछ रहे हैं, रेसिस्टिविटी ऑफ ए सेमीकंडक्टर लाइज, किसके बीच में लाइज करता है सेमीकंडक्टर का। तो आप जानते ही रेसिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर में क्या होता है, दोनों बैंड एक साथ से मिले होते हैं, कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड, जिसके कारण से रेजिस्टेंस बहुत कम होता है। आप इंसुलेटर में जाते हैं तो बहुत ज़्यादा हो जाता है, लेकिन सेमीकंडक्टर में क्या रहता है, बीच में रहता है। और ये लेवल क्या होता है, बिटवीन 10^-6 to 10^2 ohm पर मीटर रेसिस्टिविटी ऑफ ए सेमीकंडक्टर। याद रखिएगा, इसमें से अगर पूछ दिया जाए कि अगर आपका इंसुलेटर का कौन सा है तो बता सकते हैं इसमें कोई, मैं तो सिंपल भाषा में बताऊँगा, अगर इंसुलेटर का अगर होता है तो इससे ज़्यादा होगा, पॉजिटिव में 10^4 या इससे भी ज़्यादा होता है इंसुलेटर का। इसी तरह अगर पूछ दिया जाए हमें कि अगर कोई कंडक्टर का है तो इससे भी कम होगा, तो ये कंडक्टर का रेसिस्टिविटी हो गया, ये आपका सेमीकंडक्टर का हो गया। इसमें मैं एक बार मार्क कर दूं, कंडक्टर सेमीकंडक्टर से सॉरी सेमीकंडक्टर और लास्ट वाले इंसुलेटर। ऐसे प्रश्न को ऐसे करते हैं याद से, और हो सकता है ये थोड़ा बहुत वेरिएशन करेगा, कहीं 10^-8 भी मिलेगा, तो घबराना नहीं है, जो उसके मीडियम रेंज में आएगा उसी को देखना है। अगले प्रश्न में चलेंगे, 11 नंबर प्रश्न, ड्रिप वेलोसिटी इक्वल टू रेशियो ऑफ करंट डेंसिटी एंड, किसकी रेशियो ड्रिप वेलोसिटी है वो बताना है आपको यहाँ पे। तो इसके सिंपल से बात बोलते हैं, ड्रिप वेलोसिटी यानी करेंट डेंसिटी डिवाइडेड बाई
क्या होगा, चार्ज डेंसिटी सी बाई सी, तो करंट डेंसिटी बाई चार्ज डेंसिटी, और राइट आंसर आपका क्या होगा, बी होगा, इसको बोलते हैं ड्रिप वेलोसिटी। तो करंट डेंसिटी डिवाइडेड बाई चार्ज वेलोसिटी बराबर ड्रिप वेलोसिटी इन इलेक्ट्रॉनिक्स। चलिए अगले पार्ट में प्रश्न चलते हैं, इलेक्ट्रिकल में भी होता है लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स की हम यहाँ बात कर रहे हैं। अगले 12 नंबर प्रश्न है, विच ऑफ द फ्लोइंग मटेरियल कैन बी यूज फॉर मेक ए लाइट इमिटिंग डायोड। हमने इस प्रश्न को कर लिया है, ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है हमें तो नहीं लगता है, किसी को इसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन होना चाहिए। गैलियम आर्सेनाइड हमने बात कर चुके हैं, चलिए इस प्रश्न को छोड़ते हैं। अगले आंसर सी 13 नंबर प्रश्न देखिएगा, 13 नंबर प्रश्न में पूछ रहा है, ए सेमी कंडक्टर इन प्योरेस्ट फॉर्म कॉल इट, एक मटेरियल है जो प्योरेस्ट फॉर्म में रहता है इसको क्या कहा जाए। तो अभी हम कई बार पढ़ चुके हैं, क्या है, इंस्ट्रिंग सेमी कंडक्टर। एक ही प्रश्न को बार बार रिपीट किया गया है, लेकिन कहीं लिख दिया जाता है प्योर रूप से है, कहीं लिख दिया जाता है शुद्ध रूप से है, कहीं लिख दिया जाता है इंस्ट्रिंसिक टाइप का, एक ही है। अगले बात में चलेंगे, और एक्सट्रिंसिक को क्या बोलेंगे, जिसमें डोपिंग किया गया हो, ये भी याद रखिएगा, डोपिंग। अगले प्रश्न में देखेंगे, ए पी टाइप सेमी कंडक्टर, अगर आपको ये प्रश्न लिख दिया जाए कि पी टाइप सेमी कंडक्टर किस प्रकार की मटेरियल है, तो क्या करना है, एक्सट्रिंसिक या इंस्ट्रिंसिक, तो एक्सट्रिंसिक होता है। चलिए, ए पी टाइप मटेरियल एंड रिजल्ट ऑफ क्या होगा, तो ये पी टाइप मटेरियल बनेगा। तो पी टाइप मटेरियल बनाने के लिए क्या होगा, पी टाइप मटेरियल को क्या बोलते हैं आप, सबसे पहले तो एक्सेप्टर बोलेंगे, और एक्सेप्टर में वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, तीन होती है, और तीन को डोपिंग करने के लिए क्या बोलेंगे, ट्री वैलेंट इम्प्यूरिटी एडेड टू इंस्ट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। क्या करेंगे, डोपिंग करेंगे किस टाइप की मटेरियल की, जिसमें तीन टाइप के हो। इसकी डाटा आप देख लीजिएगा, तीन टाइप के मटेरियल कौन कौन से डोपिंग होते हैं वो आगे हम डिस्कस भी कर सकते हैं, या और वीडियो में बहुत डिटेल में दिया हुआ है। एक्सेप्टर, डोनर, डोनर की बात करेंगे तो 5, एक्सेप्टर का कंसेप्ट कितने कौन कौन से मटेरियल होते हैं, डोनर का कौन कौन से होते हैं, उसकी भी हमने बात कर रखा है। 15 नंबर प्रश्न देखेंगे, इन इंस्ट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एंड एब्सोल्यूट जीरो, क्या एब्सोल्यूट जीरो क्या है, यहाँ पे जब भी ऐसा भी टर्म मिले तो टेम्परेचर जोड़ लेना आप, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे कैसा बिहेव करेगा वो बताना है, तो कैसा बिहेव करेगा, इंसुलेटर की बात की है ना हमने, एब्सोल्यूट जीरो क्या होता है केल्विन में, बराबर -273 डिग्री सेंटीग्रेड, इस पे सेमीकंडक्टर ना कंडक्ट करेगा ना कुछ करेगा, वैसे टेम्परेचर पे हम सेमीकंडक्टर को इंसुलेटर बोलते हैं। अगले बात में कर रहे हैं, वाइड एनर्जी गैप इन प्रेजेंट, किसमें सबसे ज़्यादा एनर्जी गैप प्रेजेंट रहेगा, वाइड रहेगा, दूरी का गैप बना हुआ रहेगा, तो इस टाइप से वाइड गैप, कंडक्शन बैंड, बैलेंस बैंड, बीच में ये गैप है कितने ज़्यादा होगा, तो सबसे ज़्यादा किस में होता है, इंसुलेटर में होता है, सेमीकंडक्टर में थोड़ा कम होता है, और आपका जो नॉर्मल मटेरियल है वो ओवरलैप होता है कंडक्टर में। चलिए अगले प्रश्न में चलेंगे, 17 नंबर, ये सेमीकंडक्टर हैज खाली स्थान टेम्परेचर कोफिशियंट ऑफ रेजिस्टेंस, ऐसा वाला लाइन, ऐसा वाला नहीं, ऐसा वाला, तो क्या इसको बोलते हैं, टेम्परेचर कोफिशियंट ऑफ सेमीकंडक्टर नेगेटिव। चलिए अगले प्रश्न में, पॉजिटिव नहीं कर देना आप, नेगेटिव है, डोपेड सेमीकंडक्टर आल्सो नावन इंज एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, कोई टेंशन नहीं है, और डोपेंट भी तीन टाइप के होती है, याद रखिएगा, लाइटली, लाइटली, मीडियम और हाईली, तीनों प्रकार के डोपिंग होती है, और तीनों को मैंने डिस्कस कर रखा है सेमीकंडक्टर के मटेरियल में, जो प्लेलिस्ट में वीडियो में मिल जाएगा बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का, वहाँ से देख लीजिएगा, इसको लंबा नहीं करते हैं, इसको जल्दी जल्दी ख़त्म करते हैं। 19 नंबर में है, इम्प्यूरिटी एटम एंड कंटेंसिफाइड बैलेंस इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड, बिल्कुल सिंपल से जवाब है आपका, बोलिएगा, सिंपल सी बात है, पेट्रा वैलेंट, टेट्रा वैलेंट, बाई टेट्रा, डी टेट्रा, क्या होता है, तो यहाँ पे देखिए 5 अलग होना चाहिए था, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन किस में होता है, तो ये बोलते हैं पेंटा, पेंटा वैलेंट इम्प्यूरिटी, पेट्रा नहीं पेंटा। चलिए, और तीन रहेगा तो ट्री वैलेंट, तो यहाँ तीन हम यहाँ लिख देते हैं। अगले प्रश्न में चलते हैं, 20 नंबर में आपका है, द क्रिस्टल डायोड इज फॉर,
किसके लिए क्रिस्टल डायोड को यूज करते हैं वो पूछ रहा है आपसे। तो क्रिस्टल डायोड जनरली इसको सिलिकॉन डायोड भी बोलते हैं और ये रेक्टिफायर के लिए यूज होता है। तो यहाँ पे रेक्टिफायर लिख लीजिएगा। 21 नंबर का प्रॉब्लम है, प्रोसेस टू राइजिंग ए ट्रांसफरिंग एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लोअर एनर्जी टू हायर एनर्जी स्टेट कॉल्ड, क्या बोलेंगे, जो ऐसा प्रोसेस जो लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल पे ट्रांसफ़र हो रहा है ऐसे पर्पस को क्या बोलते हैं। तो ऐसे पर्पस को हम बोलते हैं एक्साइटेशन। हालांकि इलेक्ट्रिकल में हम करंट फॉलो को हम बोलते हैं एक्साइटेशन, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स में हमारा लो एनर्जी से हाई एनर्जी की तरफ एनर्जी को ट्रांसफ़र करना को हम बोलते हैं एक्साइटेशन। अगला प्रश्न आपका लाइटली डोपेड और हाईली डोपेड टाइप से प्रश्न में से ही आगे बढ़ा के दिया हुआ है। इन यहाँ ध्यान दीजिए, एडिशन ऑफ इम्प्योरिटी ऑफ रेशियो ऑफ 1:10 इन प्योर और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कितना बढ़ेगा, क्या अंतर पड़ेगा अगर एडिशन करेंगे तब। तो यहाँ देखिए, अगर 10 में एक हम डोप कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, 10 में एक, तो यहाँ अगर 100 में कहें तो क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, तो कितना टाइम्स हो गया। तो ये कह सकते हैं इंक्रीज द कंडक्टिविटी 100 times, कितना टाइम्स बढ़ जाएगा है? कंडक्टिविटी 100 times। तो इसका आंसर आप देखिएगा बी है हुआ। अगले प्रश्न में चलते हैं, 23 नंबर प्रश्न में कह रहा है, विथ इंक्रीज द रिवर्स बेस द रिवर्स सेचुरेशन करेंट ऑफ द पीएन डायोड, विथ इंक्रीज रिवर्स बेस द रिवर्स सेचुरेशन करेंट ऑन पीएन डायोड क्या होगा, कुछ नहीं होगा, रिमेन कॉन्स्टेंट। अगले प्रश्न में 23 नंबर के बाद 24 नंबर, एक रिलेशनशिप बिटवीन इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर का ये रिलेशन होता है, ये बार बार पूछ दिया जाता है, इस रिलेशन को किसके द्वारा करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, टी के पावर स्क्वायर तो होता है, ए टी के पावर स्क्वायर, यहाँ तक तो सही है, तो एक प्रश्न गलत हो रहा है, ये गलत नहीं, ये नहीं होगा, डिवाइड नहीं होगा। अब इसके बाद भी आगे होता है तो आपका ए नहीं होगा, साथ में अब ई के पावर, यहाँ से ब्रैकेट लेंगे, एनर्जी गैप का ई डिवाइडेड बाई के टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। राइट आंसर कौन सा है, तो यहाँ राइट आंसर हमें बनता है बी। ध्यान दीजिएगा, रिलेशनशिप टेम्परेचर और कंसंट्रेशन का क्या होता है, ये वाला है आपका ऑप्शन बी। 25 नंबर प्रश्न की बात करेंगे तो 25 नंबर प्रश्न में देखिए, द मैक्सिमम रिवर्स वोल्टेज दैट कैन बी अप्लाइड टू ऑर्डिनरी सेमीकंडक्टर डायोड विदाउट इरेवर्सिबल डैमेज इज कॉल्ड। तो हमने पढ़ा था कई बार, PI भी बोलते हैं, पीक इनवर्स वोल्टेज, यानी इसको हम डायोड लगाते हैं, हाफ वेव डायोड का PIB कितना होता है, फुल वेव का कितना होता है, ये भी इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल में वीडियो बना रखे हैं, ध्यान दीजिएगा, ये सारे प्रश्न उसी से रिलेटेड हैं। तो हमारा सेमीकंडक्टर मटेरियल की बात करते हैं, वहाँ पे अगर ये इसको अगर हमें रिवर्स में, यानी पॉजिटिव पल्स में अगर वो फॉरवर्ड है तो नेगेटिव पल्स में जब आएगा तो वो रिवर्स हो जाएगा, उसको हम बोलते हैं PIV, पीक इनवर्स वोल्टेज। एक और प्रश्न जो हमेशा पूछा जाता है, एनर्जी बैंड गैप ऑफ ए सिलिकन टाइप के डायोड है या सेमीकंडक्टर मटेरियल है, इसमें हमें एनर्जी बैंड गैप के बारे में बात पूछ रहा है, कितना होता है बताना है। तो क्या होता है, 1.21, उसके बाद 360 ई के पावर 360 10 के पावर -4। 1.21 तो सही है, अगर जर्मेनियम रहता तो 1.1 होता, तो यहाँ पे देखिए राइट आंसर एक ही दिख रहा है मुझे, ये वाला टी के 10 के पावर 2 T। तो राइट आंसर यहाँ देखिएगा, थोड़ा बहुत हो सकता है टाइपिंग में मिस्टेक होगा जिसके कारण से ये गड़बड़ होगा। तो याद रखेंगे 1.1 सिलिकन के लिए और 1.1 के आसपास आपका जर्मेनियम के लिए, और ये एनर्जी गैप है, ये कंडक्शन वोल्टेज याद नहीं रख लीजिएगा, कुछ लोग बोलते हैं नी वोल्टेज है, कुछ लोग बोलते हैं कि डायोड का कंडक्शन वोल्टेज है, वो वोल्टेज नहीं है, ध्यान देना है, ये बैंड गैप है। 27 नंबर प्रश्न कहता है, द फॉरवर्ड रीजन ऑफ सेमीकंडक्टर डायोड कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व इज ए डायोड अपीयर एंड, फॉरवर्ड में अगर हम डायोड एक लगा देते हैं और इसे कहते हैं कि ये फॉरवर्ड में है तो क्या होगा, ये ऑन रहेगा और ऑन स्विच के जैसा काम करेगा बिल्कुल, अगर रिवर्स में रहेगा तो कैसा काम करेगा, ऑफ स्विच का।
28 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। इन केस ए सेमीकंडक्टर रिकॉम्बिनेशन इज मर्जिंग ऑफ, क्या होगा? तो एनी आउटर इलेक्ट्रॉन ऑफ सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉन, रिकॉम्बिनेशन वहीं पे होगा, मिलना वहीं पे होगा, तो क्या होगा? आउटर इलेक्ट्रॉन विथ ए सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉन से रिकॉम्बिनेशन होता है, यानी इलेक्ट्रॉन। यहाँ से एक प्रश्न और मिलेगा, इसको ध्यान से अगर देखेंगे तो इस प्रश्न से और मिलेगा कि कोई भी सेमीकंडक्टर से बाहर कौन सा जाता है, तो कौन सा जाता है? इलेक्ट्रॉन्स जाता है, होल नहीं जाता है। हो सकता है आपका इसका एक प्रश्न आ जाएगा, तो होल क्या है? इमोबाइल है, सेमीकंडक्टर से बाहर चालन में प्रयुक्त नहीं होता है। चालन में प्रयुक्त अगर सेमीकंडक्टर से कोई बाहर जाता है वो है इलेक्ट्रॉन। तो इसका ये प्रश्न भी देखेंगे, हो सकता है आगे इसमें मिल जाए। अगला हमारे पास है दी कंडक्शन बैंड, ध्यान दीजिएगा, यहाँ कह रहा है दी कंडक्शन बैंड, नीचे की तरफ आएंगे तो क्या कह रहा है, क्या होगा कंडक्शन बैंड, क्या होगा इसको आपको बताना है। तो देखिए, दी रेंज ऑफ एनर्जी करस्पॉन्डिंग टू दी एनर्जी ऑफ दी फ्री इलेक्ट्रॉन्स, यही होता है ना, फ्री इलेक्ट्रॉन्स जहाँ होता है उसी को कंडक्शन बैंड में एनर्जी के टर्म में करते हैं। ध्यान से, राइट आंसर डी है, दी कंडक्शन बैंड इज ए रेंज ऑफ एनर्जाइज और सॉरी एनर्जी मैं बोल रहा हूँ एनर्जाइज करस्पॉन्डिंग टू दी एनर्जाइज ऑफ दी फ्री इलेक्ट्रॉन्स। 30 नंबर प्रश्न, यहाँ देखिए, फॉर जर्मेनियम पीएन जंक्शन बैरियर पोटेंशियल, देखिए यहाँ पे बैरियर पोटेंशियल है और वहाँ पे एनर्जी गैप था ईजी, तो ईजी 1.1 से आगे बढ़ता है और बैरियर पोटेंशियल होता है, जर्मेनियम की बात करेंगे तो 0.3, अगर सिलिकन की बात करेंगे तो 0.7। ये भी प्रश्न कई बार पूछ दिया जाता है, इसको भी टिक करके रखिएगा। और बैंड गैप का अलग है आपका, एनर्जी गैप का। 31 नंबर प्रश्न कहता है, इन ऑर्डर टू ऑब्टेन पी टाइप जर्मेनियम द जर्मेनियम शुड डोपेड विद द इम्प्यूरिटी, तो हमने पहले भी देखा है पी टाइप को क्या बोला, एसेप्टर, और एसेप्टर को डोपिंग करने के लिए हम सिंपल सी बात है, हमें कौन सा चाहिए, ओह टेट्रा में बोला ट्रीवेलेंट, या टेट्रावेलेंट भी होगा कि ट्रीवेलेंट होगा ट्री, तो यहाँ पे हमारा आंसर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 32 नंबर, जिसको ध्यान से देखिएगा, जिसमें कह रहा है इलेक्ट्रॉन नियर दी न्यूक्लियर कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटिंग दोज ऑफ दी मोर डिस्टेंस ऑर्बिट है। अभी हमने बात किया था कि जो आउटर कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसमें क्या होता है, मोर एनर्जी, यानी सिंपल सी बात करें तो हम एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ हमारा न्यूक्लियस है, इसमें बाहरी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन ट्रेवल कर रहे हैं गोल गोल राउंड राउंड कक्षाओं में, तो जो आउटर वाला होता है वो उसमें एनर्जी लेवल क्या होता है, ज़्यादा होता है। अब कह रहा है कि जो न्यूक्लियस के नज़दीक रहेगा, जो नाभिक के नज़दीक रहेगा उसमें क्या होगा, तो जो नाभिक के बीच सेल होगा उसमें इलेक्ट्रॉन क्या होगा, कम होगा, कम उसके पास पावर होगी, तो यहाँ पे आंसर आपको क्या है मिलेगा, मोर ऑर्बिटिक इलेक्ट्रॉन डिस्टेंस ऑफ दी लेस एनर्जी, सबसे कम एनर्जी किस में रहेगा, जो आपके नज़दीक होगा, तो यहाँ पे क्या आंसर कौन सा है, लेस एनर्जी, बी में आपका आंसर है। चलिए, खाली स्थान 33 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, इसको ध्यान से देखिएगा, इज ए मोबाइल, ई मोबाइल, ई मोबाइल मतलब चालन में नहीं प्रयुक्त होने वाला, और अभी हमने चावलन में बात किया कि अगर सेमीकंडक्टर की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन और होल दोनों कंडक्शन में भाग लेते हैं, इलेक्ट्रॉन मटेरियल से बाहर जा सकता है, ध्यान दीजिएगा, होल बाहर नहीं जा सकता, लेकिन इनमें से एक और है जो कंडक्शन में ही भाग नहीं लेता, इमोबाइल रहता है, फिक्स रहता है, तो कौन, इलेक्ट्रॉन कहेंगे, होल कहेंगे, आयंस कहेंगे, तो आयंस होता है इमोबाइल और ये होता है, कह सकते हैं, फिक्स टाइप के क्वांटिटी। अगले बात में प्रश्न में करेंगे, तो अगला हमारे पास 34 नंबर है, जिसमें कह रहा है सिंगल एलिमेंट सेमीकंडक्टर डेट ए कार्बन एंड सिलिकॉन आर कैरेक्टराइज बाइज, ध्यान से देखिएगा, सिंगल एलिमेंट कंडक्टर कार्बन सिलिकॉन आर कैरेक्टराइज बाइज, प्रश्न को थोड़ा सा ढीला किया गया है, हर बार पूछा जाता है सेमीकंडक्टर के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा कैरेक्टराइज बाइज कह दिया तो कुछ लोग प्रश्न को कहेंगे डिफिकल्ट है,
प्रश्न आसान ही है, सारा आसान से हो जाता है, तो इसको बोलते हैं फोर वैलेंस इलेक्ट्रॉन। प्रश्न कैसे भी पूछे हमें ध्यान रखना है कि हम इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ रहे हैं तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन चार, तीन और पाँच की ही बात करेंगे। तो यहाँ पे चार की बात है क्योंकि हमारा पी और एन टाइप मटेरियल होता है, तब तीन और पाँच की बात इसमें इंक्लूड हो जाती है, तो यहाँ पे चार की बात है। उसके बाद 35 नंबर की बात करेंगे। 35 नंबर है जेनर डायोड इज इन्वर्सली यूज फॉर यूज विथ, तो जब भी जीनर की बात होना तो जीनर जैसा ही उत्तर देना है, नेगेटिव। कौन सा? रिवर्स बेस। कौन सा बेस में यूज करते हैं? तो रिवर्स बेस में। नॉर्मल डायोड फॉरवर्ड बेस में यूज करते हैं, तो यहाँ पे रिवर्स बेस राइट आंसर आपका ए। 35 के बाद 36 नंबर देखेंगे, और डीएमआरसी एग्जाम में बहुत आपको हेल्प करने वाला है प्रश्न, एग्जाम दे के आइएगा और बताइएगा। उसके बाद कह रहा है इन ए सेमी कंडक्टर फॉरबिडन एनर्जी गैप लाइज, सेमीकंडक्टर में हमारा फॉरबिडन एनर्जी गैप कहाँ लाइज करता है वो बताना है। तो अभी हमने बात किया है एक सिंपल सी ऐसे ही बात किया था आपके साथ, कंडक्शन बैंड और इधर निधर है, नीचे हमारा है वैलेंस बैंड, ऊपर नीचे कर लीजिएगा, बीच का जो बैंड है इसको क्या कह सकते हैं, बिटवीन ए वैलेंस है कंडक्शन बैंड, इसी को तो ईजी बोलते हैं जी, और इसी को बीच वाला गैप को फॉरबिडन गैप भी बोलते हैं, एनर्जी गैप बोलिए। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? डी हो जाएगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है इन सेमीकंडक्टर, फिर से वही प्रश्न, सेमीकंडक्टर एंड जीरो के टेल्विन बिहेव, फिर से वही इंसुलेटर वाला प्रश्न, यानी रिपीट प्रश्न हुआ है। तो यहाँ पे आपका ये आंसर। अगले प्रश्न में चलेंगे 38 नंबर में, कह रहा है विच इज ए कैन नॉट एग्जिस्ट आउटसाइड ऑफ सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर से बाहर इनमें से कौन नहीं जा सकता, इलेक्ट्रॉन होल या दोनों। तो अभी हमने बात किया इलेक्ट्रॉन क्या है, कहीं भी घूम सकता है आरामी से, होल का है अंदर ही बना रहता है मटेरियल का, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? होल, जो हमने पहले बोला था जरूर प्रश्न ऐसा आएगा। अगले प्रश्न में चलते हैं जिसमें आपका 39 नंबर प्रश्न है इन एन टाइप सेमीकंडक्टर जी पॉजिटिव ऑफ द फर्मी लेवल, एन टाइप सेमीकंडक्टर है जिसमें हमारा फर्मी लेवल कहाँ होगा, ध्यान देने वाली बात है और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस टाइप के प्रश्न को बहुत आराम से करते हैं। तो हायर देन द सेंटर ऑफ एनर्जी गैप, तो इसको मैं एक बार थोड़ा सा आपको ग्राफिक से थोड़े से एक फिगर के द्वारा समझा देता हूँ जो लाइफ में कभी काम आ जाए। तो हम इस टाइप के प्रश्न को हमें सोल्व करने के लिए हमने अभी बात किया था यहाँ कंडक्शन बैंड, और यहाँ पे अगर बात करते हैं बैंड बैलेंस बैंड कंडक्शन बैंड या ऊपर नीचे जहाँ भी कर लेना। अब इसके बीच में है, बीच में होता है एक आपका सेंटर पॉइंट, सेंटर पॉइंट के अगर हमारा होता है सेंटर में है, यानी दोनों से बीच की दूरी बिल्कुल बराबर है, इस टाइप के मटेरियल को क्या आप कहते हैं? इंस्ट्रिंसिक मटेरियल बोलते हैं, यानी प्योर मटेरियल, छोड़िए नाम टेक्निकल, प्योर टाइप के मटेरियल बोलते हैं। लेकिन जैसे ही उसमें पी टाइप और एन टाइप के लिए डोपिंग करते हैं तो ये लेवल शिफ्ट होता है, क्या होता है? लेवल शिफ्ट होता है। तो हम पी टाइप के डोपिंग करेंगे तो ये किधर की तरफ आएगा? बैलेंस बैंड की तरफ आएगा, और एन टाइप के करेंगे तो ऊपर की तरफ जाएगा, किधर की तरफ जाएगा? ऊपर की तरफ करेगा। तो यहाँ भी कह रहा है आपको कौन सा एन टाइप कट कर रहे हैं, तो एन टाइप में क्या आ जाएगा? ई हायर देन दी सेंटर एनर्जी गैप, ध्यान दीजिएगा क्या होगा? हायर होगा, और अगर पी टाइप के मटेरियल पूछ दिए तो लोअर होगा, ध्यान देने वाली बात है। हालांकि दोनों करने से शिफ्ट हो रहा है तो कंडक्शन से बैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन को आने में इजी हो जाता है, इसीलिए इसी पॉइंट को हम कहते हैं, हम दो फिगर बना देते हैं आपको, ध्यान दीजिएगा इस प्रश्न को समझ लीजिएगा थोड़ा, अगर कहीं काम आ जाए लाइफ में। अब एक फिगर है, एक फिगर इधर है, इधर हमारा कंडक्शन है, इधर बैलेंस है, इधर कंडक्शन है, इधर बैलेंस है। अब एक मटेरियल में देखिए आपका बैंड गैप इधर दिया हुआ है और एक में इधर दिया हुआ है नीचे की तरफ, तो इसको बोलेगा एक मटेरियल किस प्रकार का है, तो आप बता पाएंगे इसको इजी से? तो कुछ लोग कहते हैं नहीं, मैं कहता हूँ देखिए ऊपर की तरफ ये शिफ्ट किया है, किधर की तरफ? ऊपर की तरफ। तो इस टाइप के मटेरियल को आपको पहचानना है, एन टाइप का मटेरियल है, और इसमें करंट जो फॉलो होगा वो मोस्टली इलेक्ट्रॉन के माध्यम से होगा, किसके माध्यम से? इलेक्ट्रॉन के माध्यम से। और इस टाइप के मटेरियल में ऐसा ऊपर शिफ्ट क्यों होता है कोई पूछ दे तो ये बताइएगा कि एन टाइप मटेरियल बनाने के लिए हमें 5 इलेक्ट्रॉन वाले डोपिंग करना पड़ता है, जिसके कारण से हर एक 4 इम्प्यूरिटी के बदले
चार बैलेंस इलेक्ट्रॉन के बदले एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा मिलता है वो कंडक्शन बैंड को ऊपर की तरफ हमें शिफ्ट करा देता है, समझ गए होंगे। लेकिन अगर हमें पी टाइप की मटेरियल की बात करेंगे तो यहाँ पे हम तीन वाले यानी ट्री बैलेंस को हम डोपिंग करते हैं, जिसके कारण से ये चार से घटा कर तीन नीचे की तरफ शिफ्ट कर देता है, और नीचे जब शिफ्ट होता है तो ईस्ट में जो करंट फॉलो होगा वो होल के कारण से मेजोरिटी में होता है, और होल से फॉलो होने के कारण से इस टाइप के मटेरियल पे कंडक्शन का लेवल नीचे की तरफ शिफ्ट होता है। तो 5, 3, 4 ये सब है ना जो लाइफ में आपको इलेक्ट्रॉनिक्स में कभी नहीं छोड़ने वाला, और जब तक ये बेसिक आपको नहीं आएगा ना, इलेक्ट्रॉनिक्स आपने कितनी भी पढ़ लिया हो थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है समझना। ये सारा बेसिक है, बहुत बेसिक है, लेकिन बहुत लोग इसको देख नहीं पाते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं 40 नंबर पे। तो एज दी टेम्परेचर ऑफ सेमी कंडक्टर इंक्रीज इट्स, 40 नंबर प्रश्न है हमारे पास, इसमें कह रहा है कि टेम्परेचर सेमी कंडक्टर का इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा। सिंपल सी प्रश्न है लेकिन ढूंढने में आपको टाइम लगेगा। कंडक्टिविटी, रेस्टिविटी, तो रेस्टिविटी क्या इंक्रीज करेगा कि कंडक्टिविटी इंक्रीज करेगा, तो कंडक्टिविटी इंक्रीज करेगा, एटॉमिक नंबर कोई चेंज नहीं होता। तो जैसे ही टेम्परेचर आप बढ़ाएंगे ना तो उसमें कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगा, जिसके कारण से इलेक्ट्रॉन और तेज़ी से चलने लगेगा, बस इतना ही, और करेंट ज़्यादा फ्लो होगा। अगले प्रश्न में 41 नंबर है, हैज ए हाइएस्ट मोबिलिटी, हाइएस्ट मोबिलिटी किस में रहता है, इलेक्ट्रॉन में, पॉजिटिव आयन से, नेगेटिव आयन में, न्यूट्रल में, तो इलेक्ट्रॉन्स है, सिंपल सी बात। 41, अगले प्रश्न 42 में चलते हैं। एट ए रूम टेम्परेचर, देखिए एट ए रूम टेम्परेचर एन टाइप मटेरियल विल हैव, और रूम टेम्परेचर जब भी बोलते हैं तो 27 डिग्री सेंटीग्रेड की बात करते हैं, तो क्या होगा, मोर इलेक्ट्रॉन होगा, और ऐसे भी जानते हैं एन टाइप मटेरियल है तो एन टाइप मटेरियल में इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, अगर रूम टेम्परेचर नहीं भी ज़्यादा दे तो एन टाइप मटेरियल में मेजोरिटी में कौन सा होता है, ये प्रश्न डीएमआरसी में 25 बार पूछ चुका है, 25 से 50 बार कह सकता हूँ, एन टाइप में कौन सा ज़्यादा होता है, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होता है, ध्यान दीजिएगा, होता दोनों है, और होल माइनॉरिटी में होता है यानी कम होता है। पी टाइप में पूछे तो होल ज़्यादा होता है, ये प्रश्न बार बार पूछा है डीएमआरसी में, और आपका इलेक्ट्रॉन कम होता है, तो ये दोनों प्रश्न को आप ध्यान दीजिएगा, दोनों मिला के कई सारे प्रश्न पूछ देते हैं। अगले प्रश्न में चलते हैं, तो अगला प्रश्न हमारे पास 43 नंबर, एट ए रूम टेम्परेचर एनर्जी गैप है जर्मेनियम इक्वल टू, अब यहाँ लोग गलती करेंगे, इस प्रश्न को मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, मैं डी का आंसर यहाँ पे चेंज करके मैं 0.3 वोल्ट लिख देता हूँ। कितने लोग हैं इसका आंसर डी नहीं देंगे, बहुत लोग हैं डी दे देंगे, लेकिन ये यहाँ पे पूछ रहा है एनर्जी गैप ईजी, लेकिन इसको समझते हैं लोग जो कट इन वोल्टेज समझ के इसको 0.3 कर देते हैं, और एग्ज़ाम के बाहर आके बोलते हैं मैंने प्रश्न को सही जवाब दिया था। तो मैंने आपको दोनों चीज़ बता दिया हूँ, ध्यान रखिएगा, जहाँ ईजी पूछे और कट इन वोल्टेज पूछे तो सिलिकन हो जाएगा, तो ईजी पूछेगा तो 1.1 कीजिएगा, अगर आपको एक प्रश्न कहीं दो तीन टाइप से पूछ दिया जाए, अगर आपको जर्मेनियम पूछे तो 1.1 करना है, और यहाँ पे कट इन वोल्टेज बोले तो 0.7 देना है, 0.3 देना है, ये चारों क्वांटिटी अलग अलग है और चारों के ध्यान से आपको एग्जाम में करना है, तो यहाँ आंसर क्या होगा, बी होगा। 43 के बाद हमारे पास है 44 नंबर प्रश्न है, जिसमें कंसीडर दू एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ इंस्ट्रिंग सेमीकंडक्टर, दी फर्मी लेवल इज लाई, अभी हमने बहुत डिटेल में बात कर लिया है, यहाँ पे इंस्ट्रिंग्स है यानी प्योर सेमीकंडक्टर है, तो कहाँ करेगा, कंडक्शन बैंड इधर, बैलेंस बैंड इधर, तो कहाँ होगा भाई, इसमें कितने सेमीकंडक्टर में बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, चार है, तो बीच में ही होगा ना, कहाँ होगा, आपका आंसर देखिए कहाँ होगा, तो सिंपल सी बात आप भी कहेंगे, सिंपल सी बात है कि फॉरबिडन बैंड पे एकदम बिल्कुल बीच में होगा, सेंटर में होगा, जो आपका फॉरबिडन बैंड होगा वहीं पे। चलिए प्रश्न सोल्व, यही प्रश्न आपको पूछ दिया है, एन टाइप तो ऊपर की तरफ और पी टाइप की तरफ तो नीचे की तरफ। फिर एक बार और प्रश्न है 45 नंबर, जिसमें कह रहा है, ध्यान से देखिएगा, इसमें इंस्ट्रिंग इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन ऑफ चार्ज कैरियर ऑफ सेमीकंडक्टर वेरीज एज, कई बार इसको टेम्परेचर भी लिख दिया जाता है, तो टेम्परेचर के
किस रेशियो में वेरीज करता है ये आपको बताना है यहाँ पे। तो कई लोग कहते हैं टी टेम्परेचर बढ़ेगा तो ज़्यादा बढ़ेगा, टेम्परेचर का स्क्वायर करेंगे तो और बढ़ेगा, टेम्परेचर टी का करेंगे तो और बढ़ेगा। लेकिन इसका सिंपल सी रूल है कि टेम्परेचर का टी के स्क्वायर में इसका बढ़ता है कंसंट्रेशन। अगर थोड़ा आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो कंसंट्रेशन बहुत बढ़ जाएगा, यानी आपने टेम्परेचर 1 गुना बढ़ा दिया तो ये 3 गुना बढ़ जाएगा, 3 के पावर में बढ़ जाएगा, ध्यान देना है। अगले प्रश्न में चलते हैं जो हमारा 46 नंबर है, जो आपका प्रश्न पूछ रहा है दी फॉरबिडन बैंड इन ए जर्मेनियम एट 0 डिग्री केल्विन। बड़े अच्छे प्रश्न है, थोड़ा सा ध्यान दे के पूछना है, और इसको प्रश्न को हमने 0 डिग्री पे बोला है। अभी हमने ईजी की बात किया था तो हमने बोला था जर्मेनियम में 1.1 होता है, लेकिन यहाँ 0 डिग्री केल्विन की बात बोल रहा है तो इस पर थोड़ी सी चेंज होके 0.785 हो जाता है वोल्ट के टर्म में। ये भी एक प्रश्न है, कई बार पूछ देता है और कई बार इस प्रश्न में कंट्राडिक्शन भी है, कई लोग कहते हैं ऐसा प्रश्न नहीं होना चाहिए था, लेकिन जहाँ हमने बुक में पढ़ा है कई बार ये दिया हुआ है, इसलिए हम मान के चलते हैं। इसको भी एक याद करके ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न में चलते हैं 47 नंबर, एटॉमिक नंबर ऑफ जर्मेनियम इज, ये तो सबको आता है जी, जर्मेनियम का एटॉमिक नंबर तो सब लोग बता देंगे कितना होता है जी। तो ठीक है, 14 सिलिकन, 15 सिलिकन, 13 सिलिकन याद रख लीजिएगा, वो भी पूछ देगा क्या होता है सिलिकन का, तो वो भी आपके पास एक प्रश्न है और कमेंट बॉक्स में आपका आंसर के लिए छोड़ देते हैं उसको कि सिलिकन का एटॉमिक नंबर क्या होता है। कार्बन का बता देते हैं 6 होता है। अगले प्रश्न में चलेंगे 48 नंबर में, व्हिच इज ए फॉलोइंग एलिमेंट बिलोंग द सेम ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल एंड सिलिकम एंड जर्मेनियम। सिलिकम एंड जर्मेनियम के साथ कौन सा एक बनता है, तो हमने एक बता ही दिया यहाँ पे, 36 है आपका जर्मेनियम का, एक स्थान आपके कमेंट के लिए छोड़ दिया और एक 6 बोला, तो इसको हम जर्मेनियम बोलते हैं, इसको सिलिकन बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं तो कार्बन बोलते हैं। तो कार्बन और सिलिकन एंड जर्मेनियम तीनों एक ही पीरियोडिक टेबल में रखा गया है क्योंकि सब में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 हैं। अगले प्रश्न में चलेंगे हमारे पास 49 नंबर, यूज द डिस्क्राइब स्टेटिक VI कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए जंक्शन डायोड। जंक्शन डायोड की स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब वोल्टेज और करंट, यानी वी एंड आई के टर्म में बताने के लिए क्या यूज करते हैं, तो बोल्ट्जमैन डायोड इक्वेशन ये सब लोग जानते होंगे, इसकी वैल्यू भी पूछ देता है, वैल्यू भी आप याद रख सकते हैं तो रख लीजिएगा। 50 नंबर प्रश्न है, एक्सेप्टर टाइप इम्प्यूरिटी क्या होगा, एक्सेप्टर टाइप रहेगा तो क्या होगा, सिंपल सी बात है 3 और डोनर रहेगा तो 5, मस्ट हैव ए 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। प्रश्न कैसे भी पूछे हमें प्रश्न का आंसर का कंसेप्ट गड़बड़ नहीं होना चाहिए। 51 नंबर, सेकंड लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, द मूवमेंट ऑफ द होल रिजल्ट फ्रॉम क्या होगा, द बैलेंस फिलेड बाई द बैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द नाइबरिंग एटम, बैलेंसी फिलेड बाई द बैलेंस इलेक्ट्रॉन बाई द नाइबरिंग एटम, बगल से होगा जब आपका होल मूवमेंट करेगा तो होल के स्थान को कौन लेगा, इलेक्ट्रॉन लेगा, और इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो होल करेगा, ये सेमी कंडक्टर के अंदर की बात है। अगले प्रश्न में चलेंगे तो अगला प्रश्न अंतिम है इस वीडियो का, जिसको हम कहते हैं हॉल इफेक्ट, हॉल इफेक्ट कोफिशियंट, हॉल कोफिशियंट RH इक्वल इज रेशियो ऑफ द हॉल वोल्टेज मल्टीप्लाई विथ द विथ ऑफ ए मैग्नेटिक फील्ड एंड ए लेंथ क्या होगा, हॉल कोफिशियंट RH इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ ए हॉल वोल्टेज मल्टीप्लाई बाई विथ टू मैग्नेटिक फील्ड एंड लेंथ। तो कैसा लगा प्रश्न, तो ये 52 प्रश्न आपके लिए स्पेशल है और शायद हमने बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का सारी टॉपिक को फिर कवर किया है जिसमें सेमीकंडक्टर मटेरियल का पार्ट आता है, सेमीकंडक्टर मटेरियल की बात किया जाता है या बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का सेमीकंडक्टर मटेरियल भी कई बार लिखा हुआ मिलता है। तो चलिए ये DMRC में काम करेगा और इसको अभी देखते हैं। तो आपने अभी वीडियो का 52 प्रश्न देखा, आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स खाली है और सिलिकन का आपने बताना है कि सिलिकन का आपका एटॉमिक नंबर क्या होता है, और साथ में कुछ भी ऐसा लगता है कुछ गलतियां हैं तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, क्योंकि मुझे तो प्रश्न याद नहीं रहता वीडियो बनाने के बाद, लेकिन जो पढ़े हुए कैंडिडेट हैं वो और अच्छे से देख के उसको एनालिसिस करके आपको हो सकता है आपका सही आंसर मिल जाए। थैंक यू, धन्यवाद।